पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो आइए आंख बंद करते हैं, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, मन में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, शरीर में कोई अकड़ नहीं, एकदम शांत शरीर को कर दीजिए और धीरे धीरे प्राण वायु को दोनों नासिकाओं से अंदर प्रवेश करने का प्रयास और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ने का प्रयास करिए। सबकी आंखें बंद हो, ये भारत की प्राचीन पूजा पद्धति है और इस पूजा पद्धति को हमारे पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने आविष्कार किया है और इस अभ्यास को भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, बुद्ध, महावीर, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, हमारे सभी आदर्श महापुरुषों ने अपनाया और इस योग प्राणायाम को अपना करके सबने अपने जीवन को महान बनाया है। तो आइए हम सब भी अपने जीवन को दिव्य बनाएं, अपने जीवन को भव्य बनाएं और इस जीवन को राम कृष्ण जैसा बना लें। लंबा धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए। बहुत बढ़िया, जितना आप ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, यानी जितना देर सांसों को भरने में आपने लगाया है उतना ही देर धीरे धीरे सांसों को छोड़ने में लगाएंगे। थोड़ा सा भी अंतर नहीं करते हैं, यदि 4 सेकंड तक सांस को भरे हैं तो 4 सेकंड ही लगाना है सांसों को छोड़ने में। यदि आपने 5 सेकंड सांसों को भरने में लगाया है तो सांसों को छोड़ने में भी 5 सेकंड ही लगाना है। इसलिए अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और मन यदि आपका भटक रहा होगा, शुरू में मन भटकता है, आंख बंद करते हैं तो मन घर पे चला जाएगा, पैसा पे चला जाएगा, खेती पे चला जाएगा, बाल बच्चों पे चला जाएगा, लेकिन हम इस भौतिक उलझनों से अभी साधना काल में मुक्त रहेंगे और साधना काल खत्म होने के बाद दिन भर हम, हमारा जो दैनिक क्रिया है, दैनिक कार्य है, उसको खूब ताकत के साथ करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते रहिए। बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है और परमात्मा भी हमारा साथ दे रहा है। चारों तरफ बहुत सुंदर प्राकृतिक छटा, ये जो कोहरा का आभास कर रहे हैं, ऐसा महसूस करिए कि अभी हम गंगोत्री और यमुनोत्री में बैठे हैं, हम हिमालय की चोटियों पर बैठ करके इस अभ्यास को कर रहे हैं। व्यक्ति को पहले योगी होना पड़ता था, घर द्वार छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में भटकना पड़ता था और इस कोहरे जैसे मौसम में, इसको कहते हैं नेचुरल एयर कंडीशन। लोग, अमीर व्यक्ति हैं, गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन लगाते हैं, फिर भी इस तरह का नेचुरल वातावरण नहीं पन पाता है। तो महसूस करिए कि हम सभी दिव्य आत्माएं हिमालय की गोद में बैठ करके और इस सुंदर से वातावरण में योगाभ्यास करने का, जीवन में पहली बार हम सबको एक साथ बैठ करके इस शिवदत्त सिंह मेमोरियल कॉलेज पोसमा में योग शिविर में बैठ करके आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस अभ्यास को आजीवन करने का संकल्प लें और जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो गले की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांसों की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से हम अपने आप को बचा पाएंगे और आजीवन निरोग रहेंगे इस अभ्यास को करने से। बहुत बढ़िया अभ्यास। अब धीरे धीरे आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को शिथिल करते हुए, शरीर को शांत करते हुए, मन को
एकाग्र करते हुए इस कार्यक्रम को धीरे धीरे रोकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आँखों को खोल करके